श्री यो मेलो संसार को अठियावण जावण की रीत ऐसी करनी कर चलो हिजी थर दुनिया गावे गीत दुनिया गावे गीत आहे जग की रीत ऐसी करनी कर चलो थारा दुनिया गावे गीत और जितने भी महानुभाव यहाँ विराजमान है एक बिल्कुल सत्य बात इस मंच के द्वारा मैं आप लोगों के बीच में रख रहा हूं। 28 तारीख नवंबर जो भी गई थी उस दिन मेरे बड़े भैया उनकी शादी थी। उससे कुछ दिन पहले हमारे जो राजेश भैया हैं हमको छोड़कर गए थे। जब हमारे भैया का जब वो फेरों का सिस्टम हो रहा था ना अंदर, उस समय हम कुछ क्षण के लिए जैसे हमारे मदन जी वगैरह हैं वैसे दोस्त बाहर बैठे थे। पहले मोबाइल देखना नहीं हुआ, लेकिन अचानक जब फेसबुक खोल कर देखा और उस पे आईडी का मुझे इतना पता नहीं है, लेकिन जब देखा कि हमारे बीच में आज राजेश भैया नहीं है, सच्ची बात बता रहा हूं कि मोबाइल एकदम से हाथ से नीचे गिर गया। जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत न होगी काम से कुछ ही समय ऐसा निकालो प्रेम करो श्री राम से। वैसे हमारे नागौर जिले से अगर हमारे बात चलती है तो हमारे हरीश भैया की जहाँ हाजिरी हो जाती है वहाँ हम सब बंदों की हाजिरी हो जाती है। और हमारे पिंटू भाई हैं और जो भी आदरणीय आर्टिस्ट बंधु है सभी से आगे लेते एक छोटी सी हाजिरी आप लोगों के बीच में रख रहा हूँ। हो कंचन वाली काया उसे लानी भवरो पाविना हो एक दिन जावाला। और किस किस को लगता है कि एक दिन जाना है वापस फिर नहीं आना है? एक बार दोनों हाथ उड़ाकर एक बार बिल्कुल हमारी दिव्यंगत आत्मा के लिए एक बार जोरदार जयकार लगाएं। बोले श्री स्वर्गवासी आत्मा के जी कंचन वाली काया रे सेलोनी में तो पाविना एक दिन जावाला हो फिर नहीं आवाला हो कंचन
पिंडवाड़ी वाली काया रे सेलोनी में तो पावना कंचन वाली काया रे सेलोनी में तो पावना एक दिन जावाला ए पाछा नहीं आवाला वो एक दिन भैरव शंकर जी महाराज के द्वारा रची गई और हमारे बाबूलाल जी कहाँ हैं बिल्कुल ये जो पहला वचन क्योंकि पैसा हर कोई दे सकता है लेकिन इस भागदौड़ भरी जिंदगी में अपना अनमोल समय देने के लिए हर किसी का जिगर नहीं होता और बाबूलाल जी आपने ये कमाया है लेना है सो ले लो रे हिला वो गिन हाथा से पर ज्यादातर सभी आर्टिस्ट बंधु यहां विराजमान है लेकिन जो आप श्रोतागण हैं, आइए एक पंक्ति के द्वारा सभी की हाजिरी हो जाती है क्योंकि वह समय कम है और जिस जिसको सच्चे मन से हाजिर लगाना है एक बार साथ गुनगुनाना बिल्कुल बेटा बेटा भाई वो आदमी मुसाफिर है यहाँ आता और जाता है आते जाते लम्हों किस किस के दिल में इनकी याद है भाई साहब पूरे पांडाल से आपकी आवाज चाहूंगा बिल्कुल हो आते जाते बिल्कुल गाकर बताएं आते जाते यादें जिनकी दिलों में इनकी यादें वो गाएंगे यादें छोड़ यादें छोड़ आदमी मुसाफिर है जाते लम्बे होंगे यादें छोड़ जाता है
से कि एक इंसान की ये जुबा होती है जैसे फूल को तोड़ लिया जाता है फूल मुरझा भी जाता है लेकिन उसकी खुशबू हमेशा इंसान के जहन में रहती है। इंसान चला जाता है लेकिन उसकी ये जो बोली की मिठास सदा अमर रहती है। शायद मैं एक बंदा हूं और वैसे तो हमारे भैया के लिए इतना बड़ा मेला लगा है तो सबके लिए सौभाग्य की बात है, लेकिन ज्यादातर मैं एक तो लाइव बहुत कम आता हूं, एक जहां भी मेरे कार्यक्रम होते तो मैं ये बिल्कुल नहीं सोशल मीडिया के द्वारा ये नहीं बताता कि आज मेरा यहाँ कार्यक्रम है। लेकिन सबसे बड़े अजीज जिसको कह सकता हूं मैं, जब भी मैं व्हाट्सएप खोलकर देखता था तो और किसी का मैसेज आए ना ना आए या ना आए, लेकिन मेरे राजेश भैया का, मनोज भैया जय श्री कृष्ण, ताली बजाएं एक बार उनके लिए। ऐसे ये सक्षत है, बोलो फूलावाड़ी ओ फूलावाड़ी पर मनी छोर अमर भेजा वेला ओ कंचन वाली अरे कंचन वाली कायारे सेलोनी में तो पावड़ा ओ एक दिन जावाला फिर नहीं आवाला। थोड़ा आपसे समा प्रार्थी चाहता हूं, लेकिन सत्संग करने का मतलब यह है कि अगर कुछ अगर एक भी शब्द किसी के जहन में अगर उतर जाता है, दिल में उतर जाता है, तो एक सत्संग के समान है। समय इंसान चाहते हुए भी नहीं निकाल सकता, लेकिन ये पैसा भी यही रह जाना है, ये दुनिया भी यही रह जानी है, लेकिन समय रहते मिलनो है सो मिल लो रे जगत रा मिन खा हो मिलनो है सो मिल जैसे अभी से कुछ समय पहले कितना मेला था, वैसे ही ये दुनिया है, एक दिन छोड़कर चला जाना है। मेलो बिछड़ियो जा मेलो बिछड़ियो जा फिर पछतावो ओ कंचन वाली अरे अरे कंचन वाली मुझे कंचन वाली काया पाठ
बजाने वाले आर्टिस्ट हैं, जितने भी सिंगर यहाँ विराजमान हैं, वैसे हमारे दादा कहते थे श्रीमान कालूराम जी बेकरणिया, एक बड़ी दुर्भाग्यशाली बात है कि ये दुनिया सिंगर के नाम से जानती है लेकिन म्यूजिशियन बंदों को तवज्जो कम देती है। लेकिन अगर बात अच्छी लगे तो एक बार सभी के लिए ताली बजाएं, जितने भी मेरे ये म्यूजिशियन बंधु हैं, क्योंकि ये हम गाना बजाना करते हैं तो ये सब इनका आशीर्वाद है, इनके पीछे होता है। एक बार जोरदार ताली हमारे जितने भी म्यूजिशियन बंधु, क्या बात है। Hit it.